असलम नाजीन मैं शेफ फैसल तुम ऐसो पाया किचन विद फैसल तमाम बेहतरीन प्रोग्राम धरती टीवी से तेज खी आया हूँ। इनमें तमाम बेहतरीन रेसिपीज ठाण सिखार पाया जो तीन फरमाइशों के मुताबिक मौसम के हिसाब से भी रेसिपीज आन तमाम सुठियों अज अस टाइम पे वाइट कढ़ाई वाइट चिकन कढ़ाई जो तुम रेस्टोरेंट्स में वही खाई तमाम ईजी और तमाम आसान तरीके से तक ठाण सिखा पाया घर के मसाल में का मुश्किल न होंगी बाहर ढी महंगी होंगी जैसे तुम घर में खाई तेण का अंदाजो थो कि केडी सस्ती ठंडी तो हीर ठाँ पाया मिर्चन जो जी खटाण ठंडी है तो हिं दही वारी मिर्चू भी ठंदी दही वारी मिर्चू तमाम बेहतरीन हैं। ये गर्मी की खास सौगात है जी गर्मी में ठाई रखो कुछ ठाण जो दिल न पो करे का भाजी ठाण जो दिल न पो करे दही वारी मिर्चू ठाई रखी छोड़ो एक हफ्ते तह डी तीन खराब न थे फ्रिज में रखी खाजो इलाही वधी गर्मी है तो बाहर न रखो खराब थी वे गर्मी में हर्ष धरती टीवी से सर्च कंदो किचन विद फैसल तमाम सुठो प्रोग्राम इनमें काफ़ी इजी रेसिपीज हैं काफ़ी शूँ अपलोड भी थी चुको हैं इंशाल्लाह अगैं भी अपलोड थे रही जैसे तो प्रोग्राम कंप्लीट ऑन एयर वो उन बाद शाम अपलोड थी वो मलका फूड के मसाल में ठाई आयो खाधा सजा मसाला जो तमाम इस्तेमाल कह मलका फूड जहाँ हूँ जैमें गाढ़ा मिर्च हेड पीठल दाणा गरम मसालो पाउडर है हिमालयन पिंक सॉल्ट है उनके लिए अदरक थूम जो पेस्ट है बिरयानी मसालो कोरमो मसालो कढ़ाई गोश मसालो अचार गोश मसालो उनके अलावा इनमें निहारी मसालो हलीम है काफ़ी वसी रेंज है जितनी तक खपे सब मिली वो मार्केट में तबे पुठियाँ सजो तरीक़ेकार लिखल हों उनके देसी ठाई सोता गाल कजे खालिस देसी घी की खालिस देसी घी जो हों वो तमाम बेहतरीन है इतने असट है न्यू टाउन डेयरी जो देसी घी एक लीटर में भी अध लीटर में भी ठीक है ये पैकेट्स मिलन पाया ऑनलाइन भी तुम घुराई सोता कराची में इनकी आउटलेट्स हैं उतना भी वही वी सोता मक्खन ढो जबरदस्त है इनको बिल्कुल खालिस मक्खन ये यूज़ भी क्या पो हिंसर भी ऐसो में चमचो रखल है तो अज भी इस्तेमाल कस बेहतरीन पैकिंग से गड ही दस्तियाब है इनकी हि पैकिंग है न्यू टाउन डेयरी ठीक है न्यू टाउन डेयरी तमाम बेहतरीन मत सजो इन जो प्रोसेस लिखल हों एक्सपायरी डेट हर शे मैन्युफैक्चरिंग डेट सब लिखल होंगी है तुम वी सोता 1947 का यो मार्केट में अवेलेबल है 1947 से आपके नाश्ते की मेज़ की खिदमत कर रहे हैं विटामिन ए डी और ई की खूबियों के साथ ये आपकी हड्डियों और जिल्द के लिए ख़ास तौर पर बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत मुफीद है हड्डियों के लिए ताजे ताजे स्किन जो है उनके लिए ठीक है उनके लिए जो नंढा बार वधंदड़ बारन के लिए तमाम बेहतरीन ही है घी तुम वी सोता हमारे देसी घी में सेहत बख्श चिकनाई होती है जो जिस्म को अच्छा कोलेस्ट्रॉल फ्राहम करती है इन घी में एक तमाम बेहतरीन सेहतमंद चिकनाई होंगी है जो तेजे जिसम के सुठो कोलेस्ट्रॉल फ्राहम कह ये तुम वो तो पान अंदाजो थो पुराने वक्तों में लोग हमारे घी का एक चम्मच खाने से पहले खाया करते थे अपने निज़ाम हज़म को अच्छा रखने के लिए निज़ाम हज़म के सुठो रखने ला पे वक्त में भी मानू इन घी के खाइंदा हुआ खालिस घी वो भी खाने खपे रुखो चमचो भी तुम खाई वो टेस्टी हों जबरदस्त हों हमारा देसी घी लैक्टोज फ्री है ठीक है लैक्टोज फ्री है इसलिए वो मरीज़ जो लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो भी खा सकते हैं जो लैक्टोज के बर्दाश्त न था कर सकन वो मरीज़ भी खाई सकन था तमाम बेहतरीन इनको घी है आई पैकिंग में सुठी दस्तियाब है अजो की जो असा ठाऊँ पिया रेसिपी वाइट कढ़ाई आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त थी वाइट चिकन कढ़ाई जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं साथ ही बना रहे हैं दही वाली मिर्चें आप बनाएं गर्मियां हैं कोई सालन बनाने का दिल नहीं कर रही आपके पास तैयार हैं आप रोटी के साथ पराठे के साथ खा सकती हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी और दही के टेक्स्चर के साथ ये होती हैं इस पर तेज़ी इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि इसमें दही के साथ हम इसको ड्राई करके बनाएंगे और ये दोनों रेसिपीज़ कल सुबह 7 बजे रिपीट भी चलेंगी ठीक है और YouTube पे हमारा चैनल बना हुआ है धरती टीवी इंटरटेनमेंट किचन विद फैसल धरती टीवी आप सर्च करेंगी तो इस तरह आपको मिल जाएगा तमाम रेसिपीज़ वहाँ अपलोड हो जाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाइट चिकन कढ़ाई की क्वांटिटी जो है तीन पाव से एक किलो की क्वांटिटी में मैं बनाना सिखा रहा हूँ 3 पाव से 1 किलो आपने कढ़ाई कट चिकन कटवा देनी है ठीक है जब भी चिकन कढ़ाई बनाती है तो उसको कढ़ाई कट कह के कटवाया करें तो वो बोटियाँ छोटी होती बड़ी बोटियाँ होती हैं ना तो फिर वो सही से कढ़ाई बनती नहीं है। अब इसमें पानी है तो इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे 1/2 कप बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती रेस्टोरेंट्स में तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के चिकन को फ्राई किया जाता है लेकिन वो ऑयल फिर रीयूज़ हो रहा होता है ऑर्डर आते जाते हैं और वो बार बार चिकन उसी में फ्राई होती रहती है फिर इतना वो नहीं होता आप कम ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर हम लेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल 1/2 कप खणंदासीं कुकिंग ऑयल ठीक है 1/2 कप कुकिंग ऑयल में सभी का पैरी असा इनमें विझंदी तेज़पत्तो आई नंढा फोटा जैंखा इनमें खुशबू इंदी जायको इंदो आई तमाम बेहतरीन सो फ्लेवर इंदो त
इतने असं विजासी तेजपत्तो जो गर्म मसाले में साबित तेजपत्ता होंगे ना ये बिजो नंढा अगर वो है तो एक विझो। तेजपत्ते से क्या होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है कढ़ाई में, वरना अक्सर कढ़ाई में डाला नहीं जाता लेकिन वाइट कढ़ाई में डाला जाता है। छोटी इलायची यहाँ पे मेरे पास है 6 अदद ले लें, इसको थोड़ा खोल लेंगी तो इसके खुशबू निकल के आएगी। छोटी इलायची आपने 6 इसके अंदर डाल देनी है, इसका हल्का सा भगार बनेगा छोटी इलायची का। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डालनी है चिकन। जब इसका भगार बनेगा खुशबू आने लगेगी उसके बाद हमने इसमें 3 पाव कढ़ाई कट चिकन ऐड करनी है, ठीक है। चिकन को पहले फ्राई करेंगे हम, चिकन को पहले फ्राई करेंगे। बीफ अगर आप बीफ वाइट कढ़ाई बना रही हैं, मटन वाइट कढ़ाई बना रहे हैं, तो उसको क्या करना है, इसी तरह तेज़पत्ता छोटी इलायची आपने पैन में डाल देनी है, कढ़ाई में बीफ या मटन डाल देना। उसके बाद आपने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देना 3 पाव से 1 किलो के दरमियान। फिर उसको आपने कवर करना है, जब वो बिल्कुल गोश्त गल जाएगा हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं क्योंकि पानी रिड्यूस होकर ख़त्म हो जाएगा। जब बीफ या मटन है वो गल जाएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा 35 से 40 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद आपने उसमें ऑयल डाल के फिर आपने उसको फ्राई करना है। जैसे अब मैं चिकन को इसमें फ्राई करूँगा ना, तो आपने बीफ मटन को पहले पानी में कढ़ाई में ही पानी डाल के उसको आपने बॉयल करना है, गला देना है। उसके बाद आपने इसमें घी या कुकिंग ऑयल ऐड करना है, ठीक है। ये होता है प्रोसेस, सिर्फ इतना फ़र्क होता है कढ़ाई में और इसमें, सॉरी बीफ में और चिकन में। हाने इनके चंगी तरह कंदा से फ्राई गोश्त के जब इनको कलर चेंज थी वो आए। अगर बीफ मटन है तो हमें छा कंदो कि पहरी पानी में उनके बॉयल कंदो, लेकिन नंढा फोटा आई तेज़पत्तो गड्ढी विच जो पानी में ताकि उनमें खुशबू अची वे। उनके बाद तुम कंदो उनमें पानी ऑयल विझंदो, पोइ बाद में उन गोश्त के तव फ्राई कंदो। जो गोश्त तव फ्राई थी वेंदो कलर अची वेंदो उनके बाद तव इनमें बाकी शयूं विझंदो, लेकिन चिकन है तो इनके डायरेक्ट फ्राई कंदासीं। जेसि ताईं चिकन जो कलर पूरो वाइट नथो थी वञे, सॼी चिकन हिकु कलर जी नथी थी वञे, तेसि ताईं तव्हां इनखे तेज़ बाहि ते फ्राई कंदो। ऐं जॾहिं कढ़ाई गोश्त ठहंदो आहे त उहो तेज़ बाहि ते ठहंदो आहे। कहीं भी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं कढ़ाई गोश्त आप ऑर्डर करते हैं बन रहा होता है तो फुल आंच पे बन रहा होता है, क्योंकि जल्दी बन जाती है रेसिपी और इसको अच्छी तरह फ्राई किया जाता है। इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है कढ़ाई का, ठीक है। तो यहाँ पे कढ़ाई को अच्छी तरह जो ब्लड आ रहा होता है ना हड्डियों में, वो ऑयल में पक पक के खुद ही ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल वो वाइट हो जाती है अंदर से भी बॉन उसकी। अभी देखें छोटी इलायची से इसमें खुशबू भी आ रही है, इस तरह बूटियों को पलटाते जाएँ और अच्छी तरह इसको पकाते जाएँ। सभी बूटियों तव पलटाइंदा वेंदव और इनके चंगी तरह तव पचाइंदा वेंदव, ठीक है, ताकि इनके अंदर खुशबू भी अचे तेज़पत्तो नंढे फोटे जो उनसा गड ये फ्राई थी वे। सारी बूटियाँ मैं पलटता जा रहा हूँ, फ्राई करता जा रहा हूँ, छोटी इलायची की खुशबू आती जाएगी इसके अंदर, साथ ही इसमें जो तेज़पत्ता डाला आप देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। जब इसका कलर आप देखेंगी चेंज होना शुरू हो गया तो हम इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसी के साथ आपने इसमें डाल देना है हरी मिर्च, वाइट कढ़ाई है, अगर रेड कढ़ाई बनाते हैं ना नॉर्मल वाली जो स्पाइसी होती है तो उसमें हरी मिर्चें काट के डाली जाती हैं, ये वाइट कढ़ाई बन रही है तो इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा, 1 खाने जो चम्मचो साई मिर्चन जो पेस्ट वेंदो। अगर असां गाढ़ी कढ़ाई ठाहींदा आहियूं जीअं नॉर्मल रेगुलर कढ़ाई आहे डिफरेंट क़िस्म जूं, त हू सावा मिर्च कटिंग करे विझबा आहिनि, टमाटा हुन में वेंदा आहिनि, त हिन में ॾही जो ऐं क्रीम जो इस्तेमालु थींदो त हिन में से साई मिर्चनि जो पेस्ट वेंदो, अदरक थूम जो पेस्ट, साई मिर्चनि जो पेस्ट, इहो विझी इनखे फ्राई कंदासीं ताकि इनजे अंदरि सुठो सो फ्लेवर अची वञे। अच्छा सा इसके अंदरि फ्लेवर आएगा, चिकन अच्छी सारा फ्राई हो रही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है दही, 1 कप दही, 3 पाव से 1 किलो चिकन के लिए 1 कप दही आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 3 पाव से 1 किलो चिकन के लिए आपने 1 कप दही इस्तेमाल करना है। दही को अच्छी तरह फेंट के इसमें यूज़ करेंगे, डायरेक्ट दही नहीं डाली जाती कभी भी कढ़ाई गोश्त में, ठीक है। तो ये 1 कप दही है, इसको अच्छी तरह इस तरह बीट कर लें क्रीमी टेक्सचर में आ जाए, चंगी तरह फेटे वठन दो ताकि ही क्रीमी टेक्सचर में अच्छी बने। देखिए बिल्कुल क्रीमी बन गई ये दही, इसको रखते हैं। अब इसको देखें जब इसका कलर आ गया, खुशबू आने लगी अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की, अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज पेस्ट करके। प्याज को आपने बारीक काटना है और उसका आपने पेस्ट बना लेना है थोड़े से पानी के साथ, 1/4 टीस्पून पानी डाल के आपने इसका पेस्ट बना लेना है जूसर जग में। थोड़ो पानी विझंदो, अध पानी विझी 1 घंट बसर के पेस्ट करे छो। अगर पेस्ट नथा करे सघो त पो तव्हां छा कंदो, कद्दूकश करे वठो, जीअं गजरनि खे कद्दूकश कंदा आहियूं न हिन कद्दूकश करे
पोइ हिन खे निपोड़े छॾिजो चङी तरह मलमल जे कपड़े में। त इहो बि प्रोसेस करे सघो था जीअं तव्हांखे आसानी लॻे। कद्दूकश करके नचोड़ के भी आप इसको डाल सकते हैं हाथ से इस तरह कश करके। और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इसको जूसर ब्लेंडर में कर दें। प्याज का पेस्ट डालने से क्या होगा, इसकी जो ग्रेवी है ना वो बनेगी। अगर हम प्याज का पेस्ट ना डालें, सिर्फ दही हो और क्रीम हो, तो वो ग्रेवी का टेक्सचर नहीं आता। रेस्टोरेंट्स में जो हम खाते हैं ना कढ़ाई वाइट वाली, तो उसमें प्याज का पेस्ट डाला जाता है। वो अब जब खाते हैं तो आपको फील नहीं होता, लेकिन आपको एक क्रीमी सा टेक्सचर आ रहा होता है, गाढ़ा सा ग्रेवी आ रही होती है, वो प्याज के पेस्ट से बनती है। इसको अच्छी तरह आपने घुमाना है। प्याज का पेस्ट लाल नहीं होगा, ये इसी तरह वाइट रहेगा, ठीक है। गाढ़ो ना करो बसर के, इनके अंदर वाइट ही रहो, बस इनको थोड़ो कच्चोपन खत्म थो, असें अंदर मसाला विझासी, उनके बाद दही विझासी। प्याज का पेस्ट इसमें पक रहा है, उसको हमने वाइट नहीं ब्राउन नहीं करना, वाइट ही रहने देना है। यहाँ पर हम मसाले क्या यूज़ करें, काली मिर्च का पाउडर है एक चाय का चम्मच, वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च का पाउडर एक चाय का चम्मच, चिकन पाउडर ईजीली मिल जाता है एक खाने का चम्मच जाएगा, नमक आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आपने भून के डालना है, भून के कुटा हुआ, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच जाएगा, या साबित धनिया को रोस्ट करके ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं। काली मिर्च सफ़ेद मिर्च एक एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, और चिकन का पाउडर आपने डाल देना है एक खाने का चम्मच या दो चाय के चम्मच। अच्छा मिर्च कारा मिर्च बई विझंदो एक एक चाय जो चमचो, अगर अच्छो मिर्च नथो मिले तव्हांखे त पोइ कारो मिर्च ॾेढ चाय जो चमचो करे छॾिजो, ठीक आहे। ऐं चिकन जो पाउडर मिली वेंदो ईज़ीली, इहो ॾेढ खां ॿ चाय जो चमचा विझिजो, या हिकु टेबल स्पून लूणु अधु चाय जो चमचो, अछो ज़ीरो भुनियल कुटियल हिकु चाय जो चमचो, ऐं धाणनि जो पाउडर हिकु चाय जो चमचो वेंदो। अगरि वाइट पेपर नहीं मिल रहा तो फिर आप काली मिर्च को ॾेढ चाय का चमच कर लें। ये मसाले डालें, इसको हल्का सा भूनेंगे मसालों के साथ। देखें प्याज का पेस्ट जो था वो अब ड्राई होना शुरू हो गया, इसके अंदर गाढ़ा सा एक टेक्सचर बन रहा है इसके अंदर। अब हम यहाँ पे आके दही डालेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के दौरान मैं इसमें दही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एक कप दही डाल दिया और दही के साथ ही इसको कवर करके मैं 5 से 8 मिनट पकाऊँगा। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते हुननि खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको हिन में ॾही विझी छॾी हुई ऐं हिनखे मां मिक्स करे कवर कयो, छाकाणि त ॾही जे पाणी में चिकन तयारु थींदी। 10 खां 15 मिंट खे छॾूं था, ठीकु आहे। हिनखे ॿिए पासे शिफ्ट कयूं त पोइ सेकेंड रेसिपी जेका असांजी आहे ॾही वारा मिर्च ठाहियां पियो, हू तव्हां ॾिसिजो हाणे कीअं ठहंदा, ठीकु आहे। दही वाले मिर्च जो बना रहो वो अब बनाना शुरू करते हैं, ताकि दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ कंप्लीट होती रहें। और यहाँ पर जो चिकन कढ़ाई हमारी बन रही वाइट कढ़ाई, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। कोई पानी ऐड नहीं करना, जो इसमें एक कप दही गया उसी के साथ चिकन बिल्कुल गल जाएगा। आपने एक्स्ट्रा पानी डाला तो चिकन बिल्कुल हड्डी से अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हल्की आंच पे हमने छोड़ देना। अब यहाँ पे सेकंड रेसिपी स्टार्ट करें, जो है दही वाली मिर्चें। दही वाली मिर्चों के लिए यहाँ पे फ्राइंग पैन ले लें या बड़ी कढ़ाई ले लें। यहाँ पे दही वाली मिर्चों के लिए मोटी कढ़ाई गोश्त में जो हम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं ना बड़ी वाली, इसके आपने ये स्टिक हटा देनी है यहाँ से कट लगा के, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक एक कट लगाना है, तोड़ के दो नहीं करना बीच में, बस इस तरह एक एक कट लगाएं ताकि जो इसका मसाला होगा इसके अंदर चला जाएगा। एक पा जितनी मिर्चू आन या घट भी खड़ी सको था, एक मां मिर्चन के तां जी डंडी हटाई छजो, छाकण त इन जी जेका स्टिक हुंदी आ ना हू खराब कंदी आ अचार के। हमेशा जडे भी ठायो त इन तरीके से साफ करे धोई ठाईंदा कयो। ही दिसो पुठियां का क्लियर आ, डंडियूं जेके कारी थी वेंदियूं आन पो हू खटाण के खराब कंदियूं आन, जेका भी शै ठाईंदो खराब थी वेंदी आ। इते असां खणंदासीं कुकिंग ऑयल अधु कप खां थोरो घटि, तकरीबन टेबल स्पून के हिसाब से बुधाया तो तुम 6 खाने जा चमचा खड़ी वजो। अच्छा सरें के ऑयल में भी ठाई सको इनके, ठीक है। मैं इतने कुकिंग ऑयल में ठाया पे, अगर तक वे पे सरें जो ऑयल तो सरें जो ऑयल भी इन क्वांटिटी में खड़ा। सरसों का ऑयल भी आप इसमें यूज़ कर सकती हैं, आपका दिल कर रहा है तो फ्लेवर इसको और अच्छा देना है तो सरसों का ऑयल ले लें 6 से 8 खाने के चम्मच। ऑयल जैसे गर्म होगा इसमें हमने डाल देनी है मिर्चें, कट लगा के मिर्चों की स्टिक्स हटा दीजिएगा, क्योंकि स्टिक्स ही अचार को ख़राब करती हैं, फफूंदी लगाती हैं, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको कर देंगे कवर, और ताकि मिर्चें जब ऑयल में जाती हैं तो ये क्या होता है, इसके दाने वगैरह ये स्किन पे आते हैं, फेस पे आते हैं, कपड़े भी ख़राब हो रहे होते हैं, तो इसको कवर करेंगे 3-4 मिनट के लिए, ताकि मिर्चें हमारी फ्राई होती रहे। जब मिर्चें हमारी फ्राई होती रहेंगी, मिर्चों को पलटाएंगे, उसके बाद हमने इसमें मसाले क्या डालने वो सारे डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, कढ़ाई गोश्त को चेक करते हैं। वाइट कढ़ाई जो हमारी बन रही है, देखें दही का कितना पानी निकला है, प्याज का पानी है, चिकन का अपना पानी है, उसमें ये चिकन गल जाएगी। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे और ये बड़ी परफेक्ट बनेगी। जब इसको ड्राई करेंगे फिर आप इसका लुक देखिएगा कि किस तरह की हमारी कढ़ाई बन रही है। मिर्चों को यहाँ पर 3-4 मिनट पकने देते हैं। अब मैं इसके मसाले बताता हूँ कि आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है।
यहाँ पे आप देखें साबित धनिया लेना है, ज़्यादा जाएगा मसाला, 3 खाने के चम्मच साबित धनिया इमाम दस्ते में कूट लें ताकि 2 हो जाएं दाने, ग्राइंड नहीं ऐसा करें इसको कि ये 2 पीस हो जाएं, ठीक है, पाउडर नहीं बनना है, जैसे आधा कुटा हुआ होता है ना। साबित धनिया 3 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, सौंफ 2 खाने के चम्मच, राई दाना जो सरसों का बीज होता है ये 4 से 5 खाने के चम्मच, इसी से फ्लेवर आएगा, ये भी कुटा हुआ है, ठीक है। राई दाना 5 से 6 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबित धनिया 3 खाने के चम्मच, सौंफ 2 खाने के चम्मच, सौंफ साबित जाएगा। साबित धाना कुटे वट जो जीअं विच खां ॿ थी वञनि ये उखरे मोरी में हल्को सो धकणंदो, ही 3 खाइण जा चमचा, 0-1 खाइण जो चमचो, राई दाणा यानी सरें जा बिज हिते विझंदो तव्हां 5 खां 6 खाइण जा चमचा, हिन खां ई फ्लेवर ईंदो। हुन जे बाद सौंफ विझंदो हिन में 2 खाइण जा चमचा, हे थी वियो। हिन जे बाद हिन में वेंदो लूणु 1 चांहि जो चमचो, कारा मिर्चनि जो पाउडर 1 चांहि जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चांहि जो चमचो, हे आहे मेथी दाणा जंहिंखे हुरबे जो बिज बि चइबो, इहो वेंदो 1 चांहि जो चमचो, ऐं चाट मसालो हिन में वेंदो 1 चांहि जो चमचो, ठीकु है। साथ साथ मिर्चों को पलटाते भी रहते हैं ताकि दोनों तरफ से ये नरम हो जाए, अच्छी सी फ्राई होनी चाहिए ये, थोड़ी आँच तेज़ करते ताकि मिर्चें हमारी फ्राई हो जाएं, कलर इसका आना चाहिए मिर्चों के ऊपर, एक शेड आना चाहिए, तो फ्राई होंगी फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। नमक यहाँ पे जाएगा 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना आपने डालना है 1 चाय का चम्मच, और चाट मसाला 1 से 1.5 चाय का चम्मच, लूण 1/2 चाय जो चमचो, कारा मिर्च कुटियल 1 चाय जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, मेथी दाणा 1 चाय जो चमचो, चाट मसालो 1 खां 1.5 चाय जो चमचो। ही सभु शयूं हिते मसाला आहिनि, बसि हिन में एड कंदासीं, मिर्चनि जो कलर चेंज थींदो। कढ़ाई का कवर मैं हटा देता हूँ ताकि अब इसका जो दही का पानी ये खुश करना, जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तेज़ आँच करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आके हमने इसकी तेज़ आँच करनी है, वाइट कढ़ाई की फुल तेज़ आँच करूँगा ताकि ये ड्राई होना शुरू हो जाए। हरी मिर्चों का कलर जब चेंज होना शुरू होगा फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले। साई मिर्चन जो कलर चेंज थींदो हाँ ॾिसण खे पलटाए ॾिसण जो कलर चेंज थियणु शुरू थी वियो आहे, मथां हिकिड़ी वाइट लेयर अचे पई, एक ऊपर से वाइट लेयर आना शुरू हो गई है, ये देखें इस तरह की, ठीक है, जैसे मिर्चें फ्राई हो जाती हैं। अब ये जितने सारे मसाले ना इसके ऊपर इस तरह आपने डाल देने हैं फैला के, ठीक है, कुटे हुए मसाले, पिसे हुए मसाले, कुटियल मसाला और पीठल मसाला, ये आपने इसमें करना है फ्राई मिर्चों को। मिर्चों को बहुत गलाना नहीं है क्योंकि अभी इसमें दही भी जाएगा ना, वो वैसे ही गल जाएंगी, तो बस उसके ऊपर जब लेयर आ जाती है फ्राई की तो उसके बाद आपने मसाले, और मसालों को जलने नहीं देना, मसालों को इस तरह आपने बनाना है कि जले ना, बस ये रोस्ट होके इसकी खुशबू निकलना शुरू हो जाए। सौंफ साबुत रखने, सौंफ कूट के नहीं डालने, अचार में कभी सौंफ कूट के नहीं डाला जाता, साबुत डाला जाता। बस ये मिर्चें हमारी हो गई हैं और ये इसका मसाले से खुशबू आना शुरू हो गई। अब हम इसमें दही डालेंगे, दही को आपने फेंट के डालना है, 1 पाव दही जाएगा, ठीक है, ये 1 प्याली फुल है, 1 पाव दही अच्छी तरह फेंट लेना है, दही दही के चंगी तरह फेटे वठजो, दानेदार ना हुजे, ये दही इनके मथा हली वेंदी। मसाले से जैसे खुशबू आई आपने दही डाली, दही डालने के बाद ये दही अपना पानी छोड़ेगी, इसको मिक्स करके आपने क्या करना है कवर कर देना, क्योंकि कवर होगी तो दही पानी छोड़ेगी इसमें, ठीक है। देखें अभी ये दही के साथ मिर्चें पकेंगी और तैयार हो जाएंगी, आखिर में लेमन जूस डाल के हमने इसको निकाल देना जब ये खुश्क हो जाएगी दही, ठीक है। अभी ये दही में देखें मिर्चें चली गई, इसको कर देंगे कवर, ये हमारी पकती रहेंगी 7 से 8 मिनट तक, 7 खां 8 मिनट लगंदा इतने कढ़ाई को असो समझो, इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग ईजी देख सकें, इसको तेज़ आँच करते हैं कढ़ाई को, ये इसका बिल्कुल पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, ऑयल ऊपर आना। अब इसमें मैं बटर भी डालूंगा, ठीक है, इसमें बटर भी डालूंगा तो वो और ज़्यादा इसमें शाइनिंग आ जाएगी। अब इसको हमने ड्राई करना है, हाणे इनके असांखे करिणो आहे खुश्क, जॾहिं खुश्क थींदो त हिन में असां क्रीम एड कंदासीं, क्रीम जो 1/2 पैकेट वेंदो, 1/2 पैकेट इसमें क्रीम जाएगी, ठीक है। जब ये बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाएगी आप देखेंगे इसकी शाइनिंग, अभी इसमें दही और प्याज का जो टेक्सचर है ना वो है, वो जब गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा, फिर हमने इसमें दही मिला दी। अब मैं इसमें से तेज़पत्ता निकाल रहा हूँ, तेज़पत्ता निकाल के आपने हटा देना है क्योंकि तेज़पत्ते का हमने सिर्फ इसमें फ़्लेवर देना था, तेज़पत्ता आपने हटा देना, तेज़पत्ते का फ्लेवर आ गया इसमें कढ़ाई में, और बस इसको अब ड्राई करेंगे और ज़बरदस्ती हमारी हो गई है कढ़ाई तैयार। बोटी को चेक करें, बोटी जब लेग पीस से पता चलता है, लेग पीस से जब गोश्त अलग होने लगता है ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चिकन हमारी हो गई है तैयार। हिनखे पचण ॾियूं था 2 मिंट मज़ीद, जॾहिं खुश्क थियण लॻंदी त पोइ हिनखे हाणे हिते मिर्चनि खे ॾिसूं था, ये देखें कितना सारा इसके अंदर पानी बन गया मिर्चों का, ये देखें
ये पानी अब इसका खुश्क होगा, दही के पानी में ही चिक्का ये मिर्चें गल जाएंगी, बड़ी ज़बर से तैयार हो जाएंगी। आखिर में लेमन जूस जाएगा, कितना इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच लेमन का जूस जाएगा, 4 से 5 खाने का चम्मच लीमे जो रस विंदो। बस अब इसमें शाइनिंग आना शुरू हो गई, आपको खुद अंदाज़ा होगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, जैसे कढ़ाई में हम कट करके डालते हैं, हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4, 20 से 2 करके, ठीक है, 3 से 4, 20 से 2 करके इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। इसी के साथ साथ ये कढ़ाई हमारी हो रही है फ्राई। बस हाँ ये रेसिपी सही कंप्लीट पे थी, सावा मिर्च चिकन ये थे साथ तैयार थे हमका। शाइनिंग अच्छे पे माँ इनके कवर ना पियो, क्या कवर कंदासी तो मिर्चों सफ़ा हलवो थी वो, तो हिन कर इनके कवर ना कंदासी। बस इनमें लेमन जूस वेंदो मथा का। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगा, क्रीम हमारे पास आधा पैकेट है, ठीक है, आधा पैकेट डालना है, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं जाएगी। क्रीम आपने इसमें ऐड कर दी, क्रीम ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, क्रीम के मिक्स करना से। चंगी तरह ही जैसे जो कलर के दो ज़बरदस्त थी वो। क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको 2 मिनट इसको दम पे लगाना है, ठीक है। क्रीम डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगा गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सिर्फ आधा चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसको करेंगे कवर, हल्का सा मिक्स करके 2 से 3 मिनट इसको दम पे लगाएंगे, ताकि हरी मिर्चों का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, वाइट कढ़ाई आपकी हो जाएगी तैयार, ठीक है। आखिर में लेमन जूस डालेंगे और हरा धनिया अदरक वगैरह डाल के अब इसको सर्व करेंगे। 2 मिनट आपने इसको कवर करना है, 2 मिनट ला कवर कर दो। हमने इसको कवर कर दिया और कवर करके इसको छोड़ रहा हूँ, ये भी दम हमारे दम पे है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू कर। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई वाइट चिकन कढ़ाई ऐं सां गॾु ॾही वारी मिर्चूं, तमामु बहितरीन ॿई रेसिपीज़ आहिनि। हीअ बि गर्मियुनि जे हिसाब सां आहे ऐं मिर्चूं बि गर्मियुनि जे हिसाब सां ॾही वारी मिर्चूं आहिनि। अचार जीअं हूंदो आहे हुन तरीक़े सां, लेकिन 1 हफ़्ते खां मथे हिनखे नथा रखी सघो, 1 हफ़्ते से ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। होम मेड जो चीज़ें होती हैं ना, ये 1 हफ़्ता आप जो मार्केट से लेके आते हैं वो 1-1 साल 2-2 3-3 साल तक चलती है, लेकिन होम मेड जो रेसिपीज़ हम बनाते हैं ना, क्विक रेसिपीज़ होती हैं, 1 हफ़्ता ज़्यादा गर्मियाँ तो 1 हफ़्ता, सर्दियाँ ये मिर्चियाँ बनाएंगी तो 15 से 20 दिन चला सकती हैं। फ्रिज में रखें तो आप 20-25 दिन भी चला सकती हैं। इसमें गीला हाथ ना मारें, हाथ से ना निकालें, गीला चम्मच ना डालें, और जिस प्लेट में आप निकाल रहे हैं उसमें 1 पानी का कतरा भी ना, बिल्कुल ड्राई हो। कोशिश करें स्टरलाइज करके आप करें, तो इससे क्या होता है कि चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं और ख़राब नहीं होती। और इसमें हमने लेमन इसलिए डालना है क्योंकि ये प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। दही है, दही पे ख़राब भी हो जाता है जल्दी, तो इससे लेमन से ही आपके इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। ये हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है और यहाँ पे मिर्चों में हम डालेंगे अब लेमन का जूस। लेमन का जूस इसमें कितना जाएगा, 3 से 4 खाने के चम्मच, 3 से 4 खाने का चम्मच लीमे जो रस वेंदो इनके अंदर, ठीक है, 3 से 4 खाने का चम्मच लीमे जो रस हली वो। इनके एक दफ़ा मिक्स कंदासीं, हीअ ॾिसो जो मसालो केॾो ज़बरदस्त ठही वियो आहे। हे ॾिसो मिर्चनि जो पाणी जेको हो निकितो ॾही सां गॾु, ही सफ़ा खुश्क थी वियो आहे, हिन जो ऑयल मथे अची वियो, हीउ थोरो अञा खुश्क थींदो, हिन तरीक़े जो टेक्सचर हुजणु खपे, इस तरीक़े का टेक्सचर हुजणु चाहिए। ये देखे मसाला गाढ़ा है, दही आपको नज़र आ रही होगी इसके अंदर, वाइट वाइट इसके अंदर दही का जैसे पीसेस लम्प्स बन जाते हैं ना, इस तरह इसमें दही नज़र आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी हो गई है, लेमन जूस डाल दिया, बस इसको 2 मिनट और पकाएंगे, फिर इसको निकाल देंगे। कढ़ाई हमारी हो गई वाइट कढ़ाई तैयार, वाइट कढ़ाई तैयार थी भैया। इनमें आखिर में विजंदासी न्यू टाउन डेरी जो बटर, ठीक है, न्यू टाउन डेरी का बटर मैं इसमें कितना डालूँगा, 2 खाने के चम्मच आखिर में, 1 और ये 2 टेबल स्पून न्यू टाउन डेरी बटर डाल दिया। अच्छी पैकिंग में दस्तियाब है, ये वाला जो है छोटा है पैक, ठीक है, इसका है 250 ग्राम वज़न, इसका 1/2 kg का भी आता है। ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये 250 ग्राम का है न्यू टाउन डेरी का, और इसका एक बड़ा बॉक्स भी आता है 1/2 kg का भी और 1 kg का, तो मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन मैं भी वो भी आता हो, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये आप मंगवाएं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको और आप इनकी आउटलेट से भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे उस पर गूगल पे भी सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। ये कढ़ाई हमारी तैयार हो गई, बटर से इसमें शाइनिंग आना शुरू हो गई है, वाइट कढ़ाई तैयार थी भैया।
मक्खन जी में दिसो शाइनिंग अचान शुरू थी छाकर ता ही वाइट कढ़ाई है तो इनमें मक्खन और क्रीम जो टेक्सचर वधिक हुंदो आ। ठीक है, हरी मिर्चों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्की हल्की इस तरह साबित और नरम रहनी चाहिए ताकि आप खा भी सकें और ज़बरदस्त इसका फ्लेवर भी ले सकें। कढ़ाई कुछ हमारा तैयार हो गया, मिर्चें भी तैयार हो गई, तो मिर्चों को सबसे पहले हम डिश आउट कर देते हैं। देखो दही वाली मिर्चें बड़ी ज़बरदस्त थी, 15 दिन आप रख सकती हैं। जो सर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं ना अपर एरियाज़ में हैं तो वहाँ पे, सिंध में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसको बहुत ज़्यादा दिन ना रखें, 1 वीक के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करें, 1 हफ्ते में ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर रखो तो वधिक चाहे तो 15-20 दिन तो वो फ्रिज में रखो, लेकिन इनमें सुखो चमचो लाए जो हथ ना विझो, तो हथ विझ दो हथ से कढ़ दो या आलो चमचो विधो तो ही ख़राब थी न, तो ही ज़बरदस्त पायदार रहो। इन जो मसालो ऐसो पे दही से गड ढो ज़बरदस्त मसालो आई जी तेज़ी या तासीर है वो भी घट थी थी वने छाकर में दही जो इस्तेमाल थे। यहाँ पे इसको भी बंद करते हैं और इसे भी हम डिश आउट करेंगे। ठीक है, ये कढ़ाई देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी तैयार हो गई है, इसे भी डिश आउट कर देते हैं। अभी ये आपको नज़र आ रहा होगा ना ऑयल, ऑयल से ये ऑयल नहीं है, ये बटर जो मैंने 2 टेबल स्पून डाला है ना ये इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, तो बटर आप इसको लगा के खाने के साथ खाएंगे, रोटी के साथ, नान के साथ, तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी वाइट कढ़ाई बन गई है। इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, इसमें बटर की क्वांटिटी ज़्यादा। ये हो गई तैयार, इसको डालेंगे हरा धनिया आखिर में, अदरक डाल दें बारीक बारीक कटिंग करके, और उसके साथ लेमन जूस बिल्कुल लास्ट में जैसे कढ़ाई में डालना चाहिए या ऊपर से हल्का सा डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसको सर्व करने के लिए। असं जी भाई रेसिपीज कंप्लीट थी वही, वाइट कढ़ाई गड असा ठाया दही वाली मिर्चों। ठीक है, ये जो देसी घी है अगर देसी घी में ठाई तो ज़बरदस्त थी, इनमें फ्लेवर सुठो अची वो तक खाने में भी भली लगती। ठीक है, मिर्चों ठाई दिसो, मिर्चों ढी ज़बरदस्त मैं तक ठाण सिखारी। नेक्स्ट एपिसोड में वरी कुछ रायता है, लौकी जो रायतो है, गर्मी के हिसाब से कुछ रेसिपीज़ हैं, वरी बारिशों अचन पे तो पकौड़न की भी कुछ रेसिपीज़ ठाईंदी, थोड़ो ही जुलाई जो मौसम खत्म थी तो मच्छी की रेसिपीज़ ठाईंदी, मच्छी की काफ़ी सारी वैरायटी है, पुलाव इन काफ़ी सारा कबाब जाना मां तांके ठाण को सिखारियां, कबाब इन कोफ्ता इन इन तरीके जो मुख्तलिफ रेसिपी, लेकिन दालू भी ठाईंदी, दालों में फुल प्रोटीन हों, दालों जो इस्तेमाल कर, भाजी जो इस्तेमाल कर, मच्छी जो इस्तेमाल कर, बनस्बत गोश्त और चिकन जो उनमें अफादियत है, उनमें फ़ायदो आता वो ज़रूर ट्राई कजो। हे रेसिपीज आई हे सुबह जो 7 बजे रिपीट हलो, जुमेरात जुमो यानी खमीस आई जुमो माता से गड हों, 4-5 बी सुबह जो 7 बजे रिपीट हलो, जुमो आई छंछर यूट्यूब से वो तो उतने धरती टीवी इंटरटेनमेंट सर्च कौन उनमें तक किचन विथ फैसल मिली वो, तो उनके तुम सब्सक्राइब कौ लाइक कौ शेयर भी कजो, उतने का भी रेसिपी जो इतने प्रोग्राम तो शाम तक अपलोड थी वी, तो हे रेसिपीज तुम कंटिन्यू रखी, इंशाल्लाह काफ़ी सारी वैरायटी ठाईंदा रहा। कल सुबह 7 बजे रिपीट चलेगा, जुमेरात जुमा 2 दिन आपके साथ होता हूँ, 4 से 5। ठीक है, 4 से 5 जुमेरात जुमा, दूसरे दिन सुबह 7 बजे रिपीट चलता है, दूसरे दिन सुबह 7 बजे रिपीट चलता है। और आप यूट्यूब पर जाएँ, धरती टीवी इंटरटेनमेंट सर्च करें, वहाँ पर किचन विद फैसल आपको सारे प्रोग्राम्स मिलना शुरू हो जाएंगे, अपलोड होना शुरू हो गए, तो काफ़ी सारी वैरायटी है खानों की, तो आप लोग वहाँ पे देखती जाएंगी। कोई भी बात करनी हो, कोई पूछना, आप मैसेज कर सकते हैं, जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर मेरे ग्रुप का है, तो आप वहाँ से भी मैसेज करके फरमाइश कर सकती हैं। तो मौसम के हिसाब से फिर खाने बनाते रहेंगे, अब जिस तरह मौसम चेंज होता जाएगा उस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। खानों की बहुत सारी वैरायटी, फ़िश की बहुत सारी वैरायटी है, और उसके साथ ये आप जो है बटर लें न्यू टाउन डेरी का। ठीक है, ये पैकिंग में दस्तियाब है, आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएं, ऑनलाइन भी मिल रहा है, मंगवा सकती हैं। और ये है 250 ग्राम का, इसका बड़ा पैक भी मार्केट में अवेलेबल है। और देसी घी का मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह 10 पैक है, ये देखें, बाहर भी ले जा सकते हैं 10 पैक, आप ट्रेवल करती हैं कहीं बाहर 10 पैक आप ले जा सकती हैं, पूरा 10 पैक में, ये आधा किलो का है और ये बड़ा वाला जार जो है इनका ये किलो का है, ये देखें खालिस देसी घी, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, इस तरह आप लें मार्केट में, ये मिल जाएगा आपको, और इन्जॉय करें, बच्चों को खिलाएं, छोटे बच्चों को खुद खाएं, सालन में थोड़ा 1 चम्मच ऊपर ज़रूर नहीं, पका के डालें, सालन बनाया जब आप निकाल रहे हो उसमें 1 खाने का चम्मच डाल दिया, 1 चाय का चम्मच प्लेट में डाल के ऊपर से गर्म गर्म बच्चों को दें, खुद खाएँ। बटर बहुत ज़बरदस्त है, जैम स्लाइस के साथ, वैसे पराठे के साथ आप खाएँ। ठीक है, इस तरह की रेसिपीज़ इंशाल्लाह कंटिन्यू रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह वरी भी एपिसोड में तुम मुलाकात थी नई रेसिपीज़ अगर तेस तुम कोड़ सारो ख्याल रखो, दुआ में याद रखा, अल्लाह हाफिज़।